Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है, जिसमें अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव को पार्टी में बड़ा कद मिल गया है। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा बीते दिनों से विवादित बयान को लेकर चर्चा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को भी उनके बराबर का कद मिला है और अब इस पर शिवपाल सिंह यादव की प्रतिक्रिया आ गई है। शिवपाल सिंह यादव मंगलवार को वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि हम लोग समाजवादी हैं और जो समाजवादी है वो कभी जातिवादी नहीं करता है। ये जो बीजेपी के लोग हैं वो मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान व्यक्तिगत बयान है। अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि और हमने भी ये बात कह दिया है। शूद्र वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको पता होगा कि अखिलेश यादव ने कहा था कि हम खुद शूद्र हैं। इसके बयान पर जो है शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं हम उनके पूरी साथ हैं। वहीं रामचरितमानस विवाद पर कहा कि ये पुराने ग्रंथ है, इसको हम सब सपा के लोग स्वीकार करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान उनका खुद का बयान है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रमोशन और राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने से जुड़े सवाल पर सपा नेता ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान था, वो खुद नेता हैं। इस दौरान रामचरितमानस की प्रतिया जलाने जाने पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जो प्रतिया जल रही हैं उन पर मुकदमे भी लग रहे हैं, उसकी जाँच होनी चाहिए। वही सीएम योगी के सनातन धर्म वाले बयान पर कहा कि हम लोग सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, हम लोग धर्म निरपेक्ष हैं, संविधान में भी धर्म निरपेक्ष है। जब ये संविधान में ही है तो संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान दौरे पर सनातन धर्म वाला बयान दिया था। इसके बाद विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आ रही है और जिस तरीके से लगातार रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं, उसको लेकर शिवपाल की क्या राय है, उन्होंने इसकी पूरी जानकारी वो एक इंटरव्यू के दौरान कही है। बाकी शिवपाल सिंह यादव के आप बयान से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।